लखीमपुर खीरी के कृष्णा मैरिज हॉल में पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती का 65वां जन्मदिन जन कल्याणकारी के रूप में मनाया गया, जिसमें जिले के सभी कार्यकर्ता एवं मंडल के सभी सेक्टर प्रभारी एवं सत्येंद्र राजवंशी जी, लखनऊ मंडल सेक्टर प्रभारी एवं लखीमपुर जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार चौधरी व धौरहरा के विधानसभा उपाध्यक्ष मुन्ना लाल गौतम व विधानसभा अध्यक्ष, जिसमें मिशन 2022 पर कुछ चुनावी चर्चा हुई, 2022 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने की अपील की और काफी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारत 18 न्यूज से राम रूप की रिपोर्ट। और हमारी आज की बदौलत इस उत्तर प्रदेश में चार चार बार सरकार बनाने का मौका मिला। धन्य हो बहन कुमारी मायावती जी। बहन कुमारी मायावती जी ने चारों बार हुकूमत के दौरान इस व्यवस्था को संपूर्ण रूप से परिवर्तित करने का काम किसी ने किया तो बहन कुमारी मायावती जी ने किया। इन भाजपाइयों ने नहीं किया, इन सपाइयों ने नहीं किया, इन कांग्रेस आइयों ने नहीं। बहुत से विरोधी पार्टी के लोग कहते थे, हमारे भी कानों में आवाज आती थी और आपके भी कानों में आवाज आती। लोग कहते थे बहन जी तो जो लिख के दे दिया जाता है वही पढ़ती। आप लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना होगा, हमारा जब कोई नहीं कहता। ये शुरुआत की बात है, कोई नहीं कहता है, किसी की औकात नहीं, किसी की हिम्मत नहीं। सारे लोग जान गए बहन जी दूसरे से क्या लिखाएंगी। बहन जी तो स्वयं बैरिस्टर है, दूसरे से लिखाने की जरूरत नहीं, पढ़ने पढ़ाने की जरूरत। धन्य हो बहन कुमारी मायावती जी। चारों बार हुकूमत के दौरान अन्य पार्टियां तो पंचायती पार्टियां, जब पंचायत में पास नहीं किया जाएगा तो कोई नियम कानून लागू नहीं होगा। और बहन कुमारी मायावती जी एकल पद, नेता एक, बाकी सब भाई भाई। बहन जी किसी से राय मशविरा नहीं, बल्कि बहुजन समाज में जन्मे संत गुरुओं महान पुरुषों के पगती।